चंडीगढ़ में मतदान का दिन था और ऐसे में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। तो वहीं जब हमारी टीम ने वार्ड नंबर 8 का जायजा लिया तो वहां पर भी लंबी लंबी कतारें लगी नजर आई और मतदाता अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए जी जान से लगे हुए भी नजर आए। तो वहीं जब हमने कुछ मतदाताओं से बात की तो उन्होंने अपने अपने उम्मीदवारों की विशेषताएं बताई और ये भी बताया कि किन आधार पर वे उन्हें वोट देने जा रही हैं। साथ ही इस दौरान उन्होंने उन उम्मीदवारों की जीत का भी दावा किया। आज मतदान का दिन है और सुबह से मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखी गई है, ऐसे में आपके पिताजी चुनाव मैदान में इस बार, तो कैसा रुझान आ रहा है आपको? देखो, रुझान तो अभी तक तो सही है, बाकी जनता का जो भी फैसला होगा, जनता समझदार है। जनता इस बार शायद लारों में और लालच में अब ऐसे बरगलाने वाले वादों में नहीं आएगी, मुझे विश्वास है, पूर्ण रूप से विश्वास है जनता के ऊपर। बाकी समय के अनुसार हर चीज़ अपने आप स्थिति और हर चीज़ का जो परिणाम है वो आपके सामने, हमारे सामने, सबके सामने आ जाएगा। जिस तरह से आपके पिताजी करीब 11 साल पहले सरपंच रहे हैं जी, अब ये पहले ये गांव में आता था, पहली बार नगर निगम में आया है जी, तो क्या लगता है कि उसका फ़ायदा होने वाला है आपको? जी देखो, फ़ायदा नुकसान की बात तो मैं नहीं कह सकता, पर मैं ये काम कहूँगा कि जो भी हम ये MC के अंडर आए या गाँव के अंडर आए, हमारी प्रायोरिटी, हमारा उद्देश्य गाँव हो या वो MC के अंडर हो, हमारा उद्देश्य विकास करना है, हालतों को सुधारना है और गरीब तबके को उसके लिए लड़ना, उसके हक और उसकी ज़रूरतों के अनुसार उसके लिए हमें प्रशासन से या शासन से हमें उसकी उनकी आवाज़ उठा के उनकी एक आवाज़ बनने का जरिया, उनके काम करवाने का जरिया बनना है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव या हमारे वार्ड में जहाँ पर भी जो जिसकी भी समस्या हो, चाहे वो छोटे लोगों की हो, चाहे वो बड़ों की हो, चाहे वो टैक्स को लेकर हो, चाहे वो भाजपा सरकार के किसी भी झूठे वादे को लेकर हो, ऐसी समस्याओं का निवारण जल्द से जल्द अपने टेनर में करने की कोशिश करेंगे। और कुछ गांव ऐसे हैं जैसे रायपुर खुर्द जिनकी हालत आज तक ऐसी बद से बदतर हो चुकी है, जहाँ पर सड़कें सिर्फ देखने तक नहीं है, सड़कें है ही नहीं, मैं कहता हूँ कीचड़ वाली कीचड़ पड़ा है वहाँ पर, जहाँ से पैदल भी निकल सकते। ऐसी चीज़ों की जो मेन चीज़ें हैं उनको सुधारने की हम पूरी पूरी प्रायोरिटी बेसिस पर कोशिश करेंगे। 12:30 बजे का समय हो चुका है, कितनी परसेंट मतदान हो चुका है? जहाँ तक सुनने में आया, मुझे बताया गया कि अभी 3,000 से ऊपर, मेरे को जो सुनने में आया पब्लिक से कि 3,000 से ऊपर वोटिंग हो चुकी है। 3774 वोट पोल हो चुकी है, 3774 और तकरीबन 4,000 वोट पोल हो गई है, जिसमें से 50% जो वोट है अपना के ठाकुर साहब को आई गई है, गारंटी है इस बात की। ये उनका काम है, वो उनकी सरपंची में ये फला फूला है, जितने काम हुए हैं सरपंच साहब के रहते हुए ही हुए हैं इस गांव में, उसके बाद कहीं कुछ नहीं हुआ। दूसरे नंबर पे कौन सा दिख रहा है आपको के दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे और तीसरे के लिए तो दो दिनों में लड़ाई है इनमें, बीजेपी और ये अपना झाड़ू वाला। हाँ जी, आपने काफ़ी चुनाव देखे होंगे, आपका जो पिंड है वो कॉरपोरेशन में आ गया है, तो ऐसे में किसका दबदबा यहाँ पे भारी दिख रहा है? देखो जी, हमें जो है ना हाथ के पंजे का दबदबा अच्छा लग रहा है और ऊपर वाले से अरदास करते हैं कि हमारा ही पंजा जीतेगा। ऐसे कारण क्या है, क्यों पंजा ही क्यों? क्योंकि जो काम किया है कांग्रेस ही सरकार ने किया है। आज मतदान का दिन है और 8 नंबर वार्ड में सुबह से ही लोग अपनी लाइनों में लग गए, अपने उम्मीदवार को जिताना चाहते हैं, तो यहाँ पे किस पार्टी का दबदबा दिख रहा है? देखो, धार पे ऐसा है, यहाँ पे जो पहले राज रहा है कांग्रेस का रहा है, ना कोई हमारा पिंड का कोई विकास हुआ है, ना कुछ हुआ है, ना कोई सड़कें बनी है, ठीक है। इस आधार पे आज बहुत ज़्यादा भारी बहुमत हुआ है और लोगों ने काफ़ी बहुमत भाजपा को जिताने के लिए दिया है, ठीक है। लोगों ने नया कुछ जाना चाहते कि पिंड में काफ़ी दिनों से कांग्रेस सरकार थी, पिछले साल सरपंच के इलेक्शन हुए थे तब भी पिंड का कुछ नहीं भला हुआ, रोड जैसी थी वैसी रही, नाला था जैसे आप देख सकते, अभी रोड जैसी थी वैसी ही है, तो पिंड का अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। पहली बार ये पिंड कॉरपोरेशन में आया है, तो क्या लगता है आपको यदि यहाँ से बीजेपी का उम्मीदवार जीतता है तो इसका विकास होगा? हाँ जी, आप देख सकते एग्जांपल है कि हमारा वार्ड पिंड था, उससे पहले जो विकास नगर वार्ड बना था तो कितना तरक्की हुई है, उसमें दुबे जी थे, अनिल दुबे जी बीजेपी कैंडिडेट थे, उन्होंने पार्क बनवाए, अंदर मार्केट बनाई है, मतलब MC आने के बाद उन्होंने कितना वार्ड किया, क्योंकि जब सेंटर में सरकार होगी तो हमें ऑटोमेटिक ही उसका वार्ड का विकास होगा। हाँ जी सर, इस बार बीजेपी के साथ दिख रहा है युवा का? हाँ, युवा पूरा बीजेपी के साथ है, युवा के साथ एक का बहुत बड़ा बीजेपी के साथ है, यूथ बीजेपी के साथ है। आपको जिस तरह से बड़े लेवल पे कहा जाए कि राम मंदिर का एक बहुत बड़ा इफेक्ट है, तो क्या उसका इफेक्ट इन चुनावों पे पड़ रहा है? हाँ, बहुत पड़ रहा है, पूरा ही इस मुद्दों पे ना चुनाव होते थे कि राम मंदिर बनवाएंगे, लेकिन ये भाजपा सरकार ऐसी सरकार है जिसने ये मुद्दे खत्म कर दिए, 3 तलाक हो गया, राम मंदिर हो गया, धारा 370 होगी, ये हमारी सरकार ने ख़त्म करे हैं। लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो बार बार मुद्दा उठाते हैं महंगाई का, पेट्रोल का,
और भी जिस तरह के मुद्दे हैं, सिलेंडर महंगा हो गया, तो इन पर बीजेपी किस तरह से जवाब देना चाहती है? क्या वो इसमें कमी करेगी इन इलेक्शंस में जीतने के बाद? सर, महंगाई का ऐसा है कि आज का जो सिचुएशन चल रहा है, हमारा कोरोना काल चल रहा था, जिस तरह मोदी जी ने देश को संभाला है उस हिसाब से महंगाई इतनी बढ़ी नहीं है, क्योंकि सरकार के पास फंडिंग कहीं से आई है ना, कोई टैक्स आया है ना, क्योंकि जितने भी टैक्सिंग सोर्स थे कोरोना काल में सब बंद हो गए थे, तो सरकार ने फिर भी उसको काफ़ी मेंटेन करते हुए महंगाई को काफ़ी कंट्रोल किया है, और आने वाले टाइम में सरकार काफ़ी प्लानिंग ला रही है और महंगाई के ऊपर काम कर रही है, और आने वाले टाइम में महंगाई कम भी होगी। अज 8 नंबर वार्ड से थोड़े हस्बैंड जी इतने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं, किदा का रुझान मिल रहा है? रुझान तो देखो पब्लिका ने बहुत बढ़िया मिल रहा है, और अब देखो आगे क्या होता है। उच्चा बोलो, केड़े जड़े मेन इत्थे दे मसले से जिन्हां दे तुसी चुनाव लड़ रहे हो, केड़ी प्रॉब्लम ने इत्थे लोकां नूं तुसी मिल? पानी, सीवरेज, लाल डोरे दे बाहर जो मकान है वो मुद्दियां दा हल करांगे, और गंदे नाला जो बग रहा है पिंड के बीच में थे जी, उसका भी हल होएगा। बाकी हो रहे चारों पिंडों के बीच में कोई कमेटी सेंटर नहीं है, कोई पार्क नहीं है, इस मुद्दियां ते भी होएगी। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਬੜੀ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜ ਕੇ ਜੀਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਚਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 20,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਪਾਏਗੀ? ਹੋ ਪਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਹੈ, ਇਹੋ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਹਾਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਕੁਛ ਇਹ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਵਗਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ, ਜਿੱਤਦੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਝੂਠਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ 11 ਸਾਲ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਬਸ ਚੋਏ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆਏ ਆ, ਚੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੇ ਅਜੀਤ ਝਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।